निरंकारी राजमाता जी, एक तेजस्वी बेटी, एक आदर्श पत्नी, आज्ञाकारी बहु, समर्पित गुरसिक, एक प्यारी और निराली मां, जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन मानव कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। आप जी का जन्म 1 जनवरी 1931 को जिला कैमलपुर पाकिस्तान में श्रीमती सोमावंती जी और श्री मन्ना सिंह जी के घर हुआ। बचपन में ही शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लेकर आप जी सेवा, सिमरन और सत्संग में लग गए। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के आशीर्वाद से आप जी का विवाह 22 अप्रैल 1947 को गुरबचन सिंह जी के साथ हुआ। 3 दिसंबर 1962 को आपके जीवन साथी गुरबचन सिंह जी सदगुरु रूप में प्रकट हुए। आपने निस्वार्थ सेवाएं करके शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से अनेकों आशीर्वाद प्राप्त किए। आपने सदगुरु से हमेशा सबके भले की कामना की। आपके दिल में सबके लिए प्रेम और ममता का भाव देखते हुए शहनशाह जी ने आपको राजमाता जी का रुतबा दिया। आप जहां शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते रहे, वहीं युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन कल्याण में सहयोग देते रहे और फिर युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी एवं परम पूज्य माता सविंदर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सच की राह पर बढ़ते रहे। आपकी बेमिसाल भक्ति इस बात का प्रतीक है कि आपने हर रिश्ते से ऊपर गुरसिक के रिश्ते को रखा। आप हर रिश्ते में भक्त पहले थीं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी को पारिवारिक रिश्तों से पहले आपने सदगुरु माना और हमेशा वैसा ही सम्मान दिया। आप जहां एक पूर्ण गुरसिक थीं, वहीं दूसरों को भी भक्ति की प्रेरणा देते रहे। आपने जहां गुरसिखों के अवगुणों पर पर्दा डाला, वहीं गुणों से युक्त होना भी सिखाया। गुरु और गुरसिक के बीच आप एक मजबूत कड़ी बने रहे। जहां मिशन में महिला सेवा दल और महिला समागम की आपने स्थापना की, वहीं जन कल्याण हेतु अनेकों सामाजिक कार्य भी किए। समाज ने भी आपके योगदानों को सम्मानित किया। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रही। जो आपसे मिला वो आपका होकर रह गया। आपको जब भी समय मिलता, आप निरंकारी बुक्स एंड मैगजीन्स पढ़ते और मिशन के गीत गुनगुनाते। नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी मैं आज तेरे सामने। नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी मैं आज तेरे सामने। नचांगी ते गावांगी।